वेलकम सारे भाइयों को, वेलकम टू तूतू खालसा गीज। कैसे हैं सारे भाई? मैं दिल से थैंक्स करता हूँ सारे भाइयों को। भाई जी, बहुत सारी जानकारी है आपको देने के लिए। अभी हम लोगों ने क्या करा है, स्मार्ट कैन को लेके और अपने एक्सटूल को लेके, ठीक है भाई जी? दो वीडियोस तैयार किए हैं, स्मार्ट कैन को लेकर अपने एक्सटूल को लेके दो वीडियोस तैयार किए हैं। उसमें सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को, भाइयों को दिखाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें कुछ आपको वर्किंग भी करके दिखाएंगे। बहुत ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी जो आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है भाई जी? वीडियो लंबी होने के कारण उसको पार्ट वन और टू में कन्वर्ट किया है। पार्ट वन आपके सामने समझो रिलीज हो चुका है, आप देख रहे हैं पार्ट वन को। इसके नेक्स्ट टाइम में आपका पार्ट टू आएगा, ठीक है भाई जी? और वीडियो को देखते देखते ना ये मत सोचा करो मन में, मन को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे करो वीर जी, अच्छा ना लगे तो उसको अनलाइक भी कर दे करो, ठीक है सर? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दो, ठीक है भाई जी? चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई जी? ताकि आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे जो अपने टेक्निकली लाइन की जो चीजें हैं वो आप तक पहुंच पाए। हम लोग मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों तक पहुंचे, कुछ हम लोगों को इससे कुछ नया सीखने को मिले, हम लोगों के जीवन में चेंजिंग आए। यही हम लोगों की मेहनत होती है, यही हम लोगों की उम्मीद होती है। अपने भाइयों तक जो दीवा, जो एक सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, जो बत्ती मेरे घर में जल रही है, मैं सोचता हूँ मेरे सारे के सब मेरे मित्रों के घर के अंदर वो लाइट चले। जो दीवा मेरे घर के अंदर सुलग रहा है वो सारे भाइयों के घर में दीवा सुलगे, ताकि हम सब लोग खुशहाल रहें, ठीक है भाई जी? दिल से थैंक्स करता हूँ, वेलकम टू तूतू खालसा की। दिल से थैंक्स है सारे भाइयों को। बस ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पार्ट टू को भी दिल से देखना। वेलकम सारे भाइयों का, वेलकम टू तूतू खालसा की। चलिए वीर जी, अब आप दिखाइए स्मार्ट कैन सॉल्यूशन कैसे काम करता है। सर, सबसे पहले तो मैं सारे भाइयों को ये दिखाना चाहूँगा, ये जो अपना ECM है आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम थी गाड़ी पे, इसमें दो दो तीन दिन बंदे ट्राई करके चले गए, जो भी जाते थे भाई लोग इसमें मतलब ना तो स्कैनिंग ये तरीके से ले पा रहा था, ना प्रोग्रामिंग ले पा रहा था, ठीक है? आशीर्वाद भाई ने इसको पूरा प्रॉपर रिपेयर किया है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नहीं हो रहा था काम, आशीर्वाद भाई ने इसको रिपेयर किया है। रिपेयर करके एग्जैक्ट ये अभी इसकी कंडीशन क्या है, अभी सबसे पहले हमने इसको टेस्ट भी नहीं किया, अभी हम एक बार इसको टेस्ट करते हैं। ये जो अपना ECM है भाई जी, मैं बता देता हूँ आपको, 17911 पेट्रोल, ठीक है जी? जो कि अपनी वरना में 17911 पेट्रोल है, जो कि अपनी हुंडई वरना i20 और i10 इन गाड़ियों के अंदर आता है, ठीक है भाई जी? सबसे इसमें एक्सटूल की भी आपको वर्किंग करके दिखाएंगे कि एक्सटूल अपना जो एक्सटूल जो है वो क्या है, ठीक है? एक्सटूल कैसा वर्क करता है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ सबसे पहले कैन के बताता हूँ, ठीक है भाई जी? एक मिनट ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें कैन में जरूरत होती है पावर की, जो कि मैंने अपना यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरह का चार्जर अपने कैन के साथ आता है, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है भाई जी? इस तरह का चार्जर अपने कैन के साथ आता है, और ये पावर हम इसको यहाँ पे एक स्विच होता है, ठीक है जी? ये अपनी पिन हमें पावर के अंदर यहाँ पे लगा दी है, ठीक है जी? अब हम चेक करना चाहें तो ये लाइट आपके सामने जो रेड वाली अपनी पावर की जो लाइट है, मेन जो है, ये देखो आ चुका है, ठीक है सर? अब इसके बाद में हमें ये हमारी केबल है जो अपने पास, ये हर गाड़ी की केबल आपको अब मिलेगी, ठीक है? फुल किट के साथ भी हम कुछ बड़ी केबल के साथ एग्जैक्ट इसको टच करके देते हैं, बाकी अलग अलग भी आप किसी गाड़ी की चाहें तो वो मिल सकती है, ठीक है भाई जी? ये अपनी केबल बिल्कुल रेडी है, ठीक है? अभी हम सबसे पहले अपना ECM का लगाते हैं इसमें सॉकेट, ठीक है भाई जी? ये ECM का सॉकेट इस तरह से हमें ये लग चुका है, ठीक है भाई जी? अब हमारा यहाँ पर आता है स्मार्टरा। सर, यहाँ पर हमारा स्मार्टरा आता है, स्मार्टरा भी हमने इसमें बिल्कुल पिन टू पिन हुए होते हैं, बिल्कुल इजीली हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्मार्टरा को ये लगा दिया, ठीक है सर? स्मार्टरा अपना यहाँ पे आ गया है, ठीक है जी? अब हमारी जो इसकी केबल है, जो मेन स्विच है, वो हमें इसको कैन में देना है, ठीक है जी? कैन में इसमें यहाँ पर दो तरह के सॉकेट दिए हुए हैं, इसमें हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? किसी में भी, उल्टे सीधे का थोड़ा ध्यान रखें। ये हमने अपना कैन में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अपना ECM और स्मार्टरा। अब एक बार ऑन करके देखते हैं, ठीक है भाई जी? इग्निशन ऑन, हमारे ECM कनेक्ट हो चुका है, लाइट आ चुकी है, ठीक है? अभी ये हमारी की जो है, ये आप देख पा रहे हैं की वाली लाइट, की हमारी अभी नहीं है। ये यहाँ पे इसका एंटीना होता है, जिसको हम एंटीना इमोबिलाइज़र भी बोल देते हैं। स्मार्टरा का जो कनेक्टिंग सिस्टम होता है, इसका एंटीना यहाँ पर होता है। अभी हमारी की इसमें एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है जी? की को भी साइड में रखते हैं, ये बाद का प्रोसीजर है। ये अपना एक्सटूल का 16 पिन OBD कपलर, ठीक है भाई जी? इसमें एक साथ दो टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है जी? हमारे टूल की स्क्रीन भी ऑन हो चुकी है, और कपलर को पूरा अच्छे से लगाएं,
कोई मिस्टेक ना रहे। आशीर्वाद भाई ने इस ECM पे काम किया है, दो तीन बंदे इसमें फेल होकर चले गए थे, गाड़ी सक्सेस नहीं हो पा रही थी, प्रोग्रामिंग नहीं ले रही थी, स्कैनिंग के ऑप्शन में भी नहीं जा रही थी। ठीक है, अभी हम इसका पिन कोड भी रीड करके दिखाएंगे आपको, लाइव वीडियो भाई जी आपके सामने, वीडियो को कट नहीं करेंगे। ठीक है भाई जी, अब देखना हम जाते हैं सबसे पहले, ये अपना इस तरह से डेमो होता है वीर जी एक्स टूल का, कोई भी की प्रोग्रामर हो स्कैनर हो। ठीक है सर, सबसे पहले हम ओके करते हैं। और सारे भाई कैसे हैं, वेलकम टू तूती खालसा कीज। वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाइयों, अभी देखना आगे। ठीक है, मैं आपको अब देखो मेन ऑप्शन जो अपने स्कैनर होते हैं वहाँ पे डायग्नोस लिखा आता है, प्रोग्रामर है तो यहाँ पे जो है की प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। ठीक है सर, सबसे पहले हम इग्निशन भी ऑन कर देते हैं, अपना पावर भी ऑन है, इग्निशन भी ऑन है, सारा कुछ ऑन है। ठीक है जी, ACM कनेक्ट है, स्मार्टरा यहाँ पे रखा हुआ है, की अपनी यहाँ पे रखी है सर। ठीक है, की को अभी हम इसके ऊपर रख के छोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले की प्रोग्रामिंग ओके करेंगे। अब हमें जाना है हुंडई में। ठीक है सर, ये हमने हुंडई ओके करी है। सर आप देख पा रहे हैं ना क्लियर, हुंडई हमने ओके करी है। हम इसका सबसे पहले पिन कोड रीड करेंगे। ठीक है भाई जी, पिन कोड हम इसका रीड करेंगे 46 में जाके। ठीक है सर, स्मार्ट कार्ड में अगर स्मार्ट की है तो स्मार्ट कार्ड के अंदर करें, मैकेनिकल की जैसे हमारी इग्निशन वाली की है तो मैकेनिकल की के अंदर करें। ठीक है सर, ये हमारी पिन कोड की जो रीडिंग है शुरू हो चुकी है, और ये देखना कितना टाइम लेता है। जो मेरे भाई एक्सटूल यूज़र हैं वो तो जानते हैं एक्सटूल क्या है, जो जिन्होंने एक्सटूल यूज़ नहीं किया, जिनका मन है मैं एक्सटूल यूज़ करूँ, तो वो भी इस चीज़ को ध्यान से देखें वीर जी, एक्सटूल इन चीज़ों में कितना फास्ट है। इंडिया मार्केट के जितने भी कार गैरेज वाले भाई हैं, इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, मैकेनिक भाई हैं, उन सबको एक्सटूल ने क्या दिया है, एक्सटूल कहाँ से लेके हम लोगों को चलाया और कहाँ तक हम लोगों को पहुँचा दिया, उस चीज़ को कभी भूले ना। ठीक है भाई जी, और अब ये स्मार्ट कैन की वर्किंग देखो आप। ठीक है जी, सारी लाइटें इसमें ऑन है, ACM लाइट कंप्लीट है, इग्निशन हमारा ऑन है, गाड़ी को पूरा पावर मिल रही है, की हमारी यहाँ पे रखी है, की को इसके अंदर लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है सर, ये इसके की के लिए जो है यहाँ पे इसका इमोबिलाइजर है, एंटीना जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ हमने लगा दिया है। ये की वाली लाइट हमारी जब इसमें आएगी, जब हमारी की इसमें सक्सेस होगी। ठीक है सर, अब इसका पिन कोड जो निकलेगा वो देखते हैं, पिन कोड डाल के प्रोग्रामिंग करके क्या रिस्पॉन्स हमारा डिवाइस अभी देता है। ठीक है सर, अब ये देखो कितनी जल्दी इसका पिन कोड की जो वर्किंग है, पिन कोड हमारा निकलने वाला है, ये समझो आप। ठीक है भाई जी, पिन कोड निकल चुका है सर। ठीक है, पिन कोड हमारा निकल चुका है। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो एक बहुत ऐसी बात है मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ये जो अपना पिन कोड निकला है, ये भाई जी क्या पिन कोड निकला है, आप ध्यान से देखो एक बार, 786 786। लाइफ में मैंने कभी किसी गाड़ी का इस तरह से पिन कोड रीड नहीं देखा, 786 786, कमाल हो गए आशीर्वाद भाई, कमाल है। ये पिन कोड जो है ना, इस नाम को हम लोग बहुत सत्कार से, इस नाम को बहुत सत्कार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, 786 को हम लोग लाइक करते हैं दिल से, बहुत यूनिक है सर। ठीक है, लेकिन ये देखो मैंने अपनी लाइफ में, मुझे मेरी 40 साल की उम्र है, मैंने आज तक ये वाला पासवर्ड कभी नहीं देखा, 786 786। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ कदम उठाते हैं भाई जी। ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी एक बार, हम थोड़ा सा बैग जाएंगे, पासवर्ड ना लिखने की जरूरत है, पासवर्ड को ना फोटो खींचने की जरूरत है, 786 786, कमाल हो गया आशीर्वाद भाई। ठीक है, हाँ अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं सीधा, इमोबिलाइजर। ठीक है सर, सेलेक्ट फ्रॉम टाइप और व्हीकल, हम लोग टाइप में ही करेंगे, सीधा हमें टाइप 4 में जाना है भाई जी, ये ध्यान रखें, टाइप 1 2 3 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो ये गाड़ी मैं बना रहा हूँ, जो आपके सामने जो मैंने ACM का बताया था आपको, पेट्रोल वाली जो i10 है, जैसे अपनी वरना भी है या अपनी i20 है। ठीक है सर, टाइप 4 मैंने खोला इसको, प्रोग्राम की। ठीक है सर, प्रोग्राम की में हम इसको ओके करेंगे। अब इसने पासवर्ड के लिए बोला है, पासवर्ड है इसमें, देखो क्या मैं आपको बताऊं, नाम लेती बार भी मन खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं, 786 786, दिल खुश हो गया सारे भाइयों को आप स्पीक सुन के भी, वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। ठीक है भाई जी, 786 786 डन कर देता हूँ, एक बार और डन करूँगा। प्रोग्रामिंग सक्सेस, इधर दिखाओ सर आशीर्वाद भाई, इधर दिखाओ एक बार, ये देखो सर प्रोग्रामिंग सक्सेस होते ही हमारी जो की का जो हमारी लाइट है, हमारी लाइट आ चुकी है,
प्रोग्रामिंग हमारी सक्सेस हो चुकी है बिल्कुल। 100% नहीं कह सकते, 1000% कह सकते हैं। अगर हमें एक की और बनानी है तो हम एक बार इसको यस करके इग्निशन ऑफ करके अपनी की को निकाल लेंगे। हमें एक और चाबी नहीं बनानी तो हम इसको डायरेक्ट नो कर देंगे। ठीक है सर, ये हमने यहाँ से नो कर दिया। प्रोग्रामिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई जी, और अपनी जैसे इग्निशन हमारी थोड़ी देर के बाद जो लाइट चली जाती है ना, वो लाइट भी जा चुकी है। अब दोबारा जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो लाइट आती है। देखो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया, पावर भी ऑफ कर देता हूँ। पावर मैंने ऑन करा और इधर ये इग्निशन मैंने ऑन करा तो ये मेरी लाइट आ चुकी है सर। ठीक है जी, थोड़ी देर के बाद जैसे गाड़ी ऑन होने पर चली जाती है। अब आशीर्वाद भाई आपको कुछ जानकारी देंगे इसमें स्कैनिंग के बारे में, कि हम अपने स्मार्ट कैन से टेबल पे क्या क्या काम कर सकते हैं।